सर, हमारे इस नए प्रोग्राम में आज हम एक भिखारी के इंटरव्यू ले रहे हैं। सर, ऐसा है, इस प्रोग्राम में हर बार हम नई शख्सियत को लेकर आते हैं, तो हमने सोचा इस बार एक भिखारी के इंटरव्यू ले लेते हैं। लीजिए, वो आ गया। मैं आपके बारे में, आइए, आपका हाँ जी। तो पहले आप मुझे इस प्रोग्राम का नाम बताइए। इसका नाम है जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बहन चोर, ये तो मेरी लाइन है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे, ये तो हम अपने इंटरव्यू देने वाले के लिए कह रहे हैं कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अरे लेकिन लाइन तो मेरी है ना, आपको मुझे इसके लिए रॉयल्टी देनी पड़ेगी, नहीं तो मैं अभी जावेद साहब को फोन लगा दूं। बहन चोर, सरासर चोरी हुई। ठीक है, उसके अरे हम शो के बाद बात करेंगे, फिर आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम है अमीर चंद हनुमान कुमार। लेकिन एक बात बताइए, जब मैं पहली बार आपसे इंटरव्यू लिए मिला था, तो आपने खंडे और फटेवर कपड़े पहने थे, राज एकदम जगह तक। अरे वो तो मेरे वर्किंग क्लोथ्स है यार, अब उन कपड़ों में यहाँ आकर मैं अपने बाकी भिखारी भाई बहनों की इज्जत की माँ बहन तो नहीं कर सकता ना। अच्छा हनुमान कुमार जी, पहले ये बताइए, आप इस पेशे में आए कैसे? कौन से पेशे में? यही भी मांगने वाले हैं। छूट, ये मेरा पेशा थोड़ी है। तो फिर क्या है? तो मेरा शौक है। अच्छा, तो आपने अपने शौक को अपने पेशे में बदल डाला। छुट्टियों वाली बात की ना, अभी आपको पान खाने का शौक है तो आप क्या पनवाड़ी की दुकान खोल के बैठ जाएंगे? बात ये है कि मुझे बचपन से ना एक्टिंग का शौक रहा। अच्छा, तो आप मुंबई में एक्टर बनने आए थे? हाँ, और किसी ने मुझे भिखारी का रोल भी नहीं दिया, और आजकल के एक्टर को देखो, लगता है हमारे भीख मांग रहे। अच्छा, तो आप रहते कहाँ हैं? नाला चौबारा में ब्रिज के नीचे रहता हूँ, लेकिन वहाँ मेरे खंडाला में ना दो फॉर्म होते थे, तो मैं शूटिंग वालों को किराया कर देता हूँ। तो आप ये बताइए कि आपकी एक्टिंग एक मामले पर सबसे ज़्यादा कब काम आई? अरे एक बार मैं सेल के ऑफिस में घुस गया और मैंने उससे कहा, भैया आपकी जो बेटी है मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। उसने मुझे सर से पांव तक देखा और एक चेक निकाला, बोला ये ब्लैंक चेक है, ये भर लो जितना चाहिए, लेकिन मेरी बेटी की तरफ आँख उठाकर मैं नहीं देखना। अब अपने हिंदी फिल्मों में ऐसे कितने सीन हुए हैं, है ना, और हीरो चेक फाड़ के फेंक देते हैं। अब मैं भिखारी जरूर हूँ लेकिन चूतिया नहीं हूँ। मैंने जाके चेक इन्हों कैश करा लिए, 5,000 दुनिया। तो अब वो सेठ कहाँ है? मेरे साथ ही बगल वाले झोपड़े में रहता है। तो आप अपने परिवार वालों को साथ नहीं लाए? चूतिया वाली बात कर रहे हो यार, मेरी वाइफ की अलग जिंदगी है, मेरी बेटी की अलग जिंदगी है। अच्छा, तो वो लोग अपने अलग अलग एरिया में भीख मांगते होंगे। तो वो भी आपके साथ नाला पर ब्रिज के नीचे रहते हो? उसको बैंक वालों ने 3 बेडरूम हॉल का पाली इन पे फ्लैट दिया हुआ है। तो आप उसके साथ पाली इन में क्यों नहीं रहते? अरे तो अपने रनिंग बिजनेस की मां चल। तो अच्छा, तो आपका बेटा क्या करता है? तो अपने जिंदगी संगीत को अर्पित कर दिए, पिछले 12 साल से बजा रहा है वो। अच्छा, म्यूजिशियन है? क्या बजाता है? घंटा। घंटा? बाबा जी का नहीं, स्कूल का घंटा, टन 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 टन। ओके धनवंत बाबा जी, हमें इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भविष्य में आपकी प्लानिंग क्या है? मैं बैंक लोन लेकर एक भिखारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, आपको ज्वाइन करना है तो बोलिए, आपको 20% डिस्काउंट दूंगा।